यदि कल तक यदि अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती है, भर्ती प्रक्रिया प्रभावित ऐसे होती रहेगी, तो 10 अगस्त को मैं एक दिन के लिए। जुलाई में कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष ने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड की तमाम भर्तियां प्रभावित हो चुकी हैं, धीमी गति से काम चल रहा है और लगातार ये कहा जा रहा है कि अध्यक्ष के बिना कुछ नहीं होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, जो सितंबर में होने वाली जूनियर अकाउंटेंट सूचना सहायक भर्तियां प्रभावित हो रही है, नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी नहीं हो पा रही है, अध्यापक भर्ती, फायरमैन, वन रक्षक, इन भर्तियों का परिणाम जारी नहीं हो पा रहा। ऐसे में राज्य सरकार की जो मंशा 1 लाख प्रतिदिन भर्तियों को आचार संहिता से पहले करने की, वो कैसे पूरी हो पाएगी? इसलिए तत्काल अध्यक्ष की नियुक्ति करें। यदि कल तक यदि अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती है, भर्ती प्रक्रिया प्रभावित ऐसे होती रहेंगी, तो 10 अगस्त को मैं एक दिन के लिए उपवास करके राज्य सरकार से मांग करूंगा कि तत्काल कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष की नियुक्ति करे, जिससे प्रक्रियाधीन भर्तियां समय पे पूरी हो सके, नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो सके, क्योंकि लगातार युवा बेरोजगार परेशान है, क्योंकि अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी। और 1 लाख जो भर्तियों की सरकार ने बजट में घोषणा की थी, उनका विभाग वाइज वर्गीकरण हो, उनका कैलेंडर जारी हो परीक्षाओं का, लगातार हम मांग करें, कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। इसलिए राज्य सरकार से एक बार फिर अपील है कि लंबित भर्तियों को आचार संहिता से पहले पूरी करें, तत्काल कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष की नियुक्ति करें, सदस्यों की नियुक्ति करें और नई भर्तियों का भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी करें। 10 अगस्त को एक बार फिर मैं गांधीवादी विचारधारा से एक दिन का उपवास रखकर तत्काल बेरोजगारों की तमाम मांगों को पूरी करने की गुहार राज्य सरकार से करूंगा। उपेन यादव, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ।